नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटरमार्क के बारे में। वाटरमार्क कैसे डालते हैं, इस पर एक छोटा सा वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। आप उस वीडियो को देख के जान सकते हैं कि वाटरमार्क कैसे डाला जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट में अगर हमारे पास एक से ज्यादा पेजेस हो, तो उसमें अगर हमें अलग अलग वाटरमार्क डालना है हर पेज पर, तो कैसे डालते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो के व्यू वाले टैब में, इस वीडियो में हम लोग व्यू वाले टैब को का एक ऑप्शन यूज करने वाले हैं, डिजाइन टैब का एक ऑप्शन यूज करेंगे और लेआउट टैब का एक ऑप्शन यूज करने वाले। तो सबसे पहले व्यू वाले टैब का एक ऑप्शन यूज कर लेते हैं, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो पेजेस है 1 of 3 यानी 3 पेज का डॉक्यूमेंट, वो एक साथ में मुझे दिखाई दे। तो व्यू वाले टैब का ऑप्शन हम लोग यूज कर लेते हैं। पहले ये मल्टीपल पेजेस वाला ऑप्शन मैंने यूज कर लिया है, यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये तीनों पेज मेरे साथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे। व्यू वाले काम का हो गया है, अभी हम वापस से यहाँ पे डिजाइन वाले टैब में आते हैं और एक वाटरमार्क डाल देते हैं। तो वाटरमार्क में जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी एक वाटरमार्क डाल दूं, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं वाटरमार्क में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर वाटरमार्क पे गया, यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पर गया और यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क पे जाके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ASAP की जगह पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, जो भी फॉन्ट चाहिए, उसका साइज कितना बड़ा छोटा होना चाहिए फॉन्ट का, वो यहाँ से ले सकता हूँ। ट्रांसपेरेंट होगा कि सेमी ट्रांसपेरेंट होगा वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है, और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए हल्का हल्का बैकग्राउंड में आ गया। मैं यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट हटा के यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, तो थोड़ा सा डार्क और आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसके फॉन्ट को और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से और भी साइज बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ से डायगनल चाहिए तो डायगनल, हॉरिजेंटल चाहिए तो हॉरिजेंटल करके कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से बड़ा हो गया है। अगर आप और किसी फॉन्ट को लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर। तो देखिए इस तरह से दिखाई दे। तो जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उस हिसाब से आपके पास चेंजेस होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये मैंने वाटरमार्क ले लिया है, मैं इसको फाइनली कैलिब्री वाला ही ले लेता हूँ फिर से, और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर लेता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दिया, ये मैंने वाटरमार्क डाल दिया। तो बहुत ही आसान था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वह कैसे होंगे, यानी अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटरमार्क। तो उसके लिए हम अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अब बार बार हमें वाटरमार्क ऑप्शन यूज करना है, तो हम इस पे राइट क्लिक करके इसको क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो मुझे बार बार यहाँ पर आके चेंज नहीं करना होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। तो चलते हैं शुरू करने के लिए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम पहले लेआउट टैब पर जाएंगे। लेआउट टैब पर जाएंगे इसलिए क्योंकि हमें हर एक पेज पे यहाँ पे वाटरमार्क डालना है अलग वाला, तो इसके लिए इन पेज के बीच के लिंकिंग को ब्रेक करना होगा। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक करेंगे, सेक्शन ब्रेक करना होगा। तो इसलिए सेक्शन ब्रेक करने के लिए आपको अगले पेज के स्टार्ट वाले पॉइंट, यानी जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट शुरू किया है, वहां पर जाना है और ब्रेक्स में जाके सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूस वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। तो ये मैंने ऑप्शन चूज किया, इसका भी लिंकिंग मुझे तोड़ना है, इस पर भी अलग चाहता हूँ। सेम करेंगे, ब्रेक्स पे जाएंगे लेआउट वाले टैब में, सेक्शन ब्रेक पर जाएंगे, इसमें दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूस वाला, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, इसको होम टैब से शो हाइड बटन पर भी क्लिक करके देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस है। शो हाइड बटन पर भी हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उस पे डिटेल आपको मिल जाएंगे। मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ एक बार। तो इस तरह से हमने सेक्शन ब्रेक लगा दिया। अब बारी है इनकी लिंक ब्रेक करने की, जो भी इन पेजेस के बीच में लिंक है। तो उसके लिए हमें हेडर फुटर में जाना होगा। हेडर फुटर में जाने के लिए हम लोग इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और हेडर फुटर ऑन हो गया। हेडर फुटर पर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं हेडर फुटर के और डिटेल के लिए। इस पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप सेम एज प्रीवियस लिखा है यहाँ पर भी, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और जैसे हम क्लिक करेंगे ये हेडर फुटर वाले ब्लॉक में, नेविगेशन वाला जो ब्लॉक है उसमें देखो लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से वो लिंकिंग हट गई है। सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, हेडर फुटर ग्रुप पे, नेविगेशन वाले ब्लॉक पे लिंक टू प्रीवियस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से अब इनकी लिंकिंग ब्रेक हो गई है। अब बहुत आसान है, आप यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए, जिस पर भी चेंज करना है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे से चेंज करना, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जैसे इस पर क्लिक हुआ, देखिए वर्ड आर्ट नाम का एक नया टैब ओपन हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी चेंजेस हमें करने हैं हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट पर चलते हैं, मैं एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। आपका एमएस वर्ड साथ ही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं एमएस एक्सेल टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक्सेल टाइप कर लिया और ये यहाँ से ओके कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आपका एमएस वर्ड साथ ही लिखा है, यहाँ पर आपका एमएस एक्सेल साथ ही लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ और चेंजेस करना, जैसे स्पेसिंग, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर, उसमें अगर स्पेस बढ़ाना है मैं वेरी लूज कर लेता हूँ, ये देखिए इनके बीच का गैप है वो बढ़ गया है। अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर मैं एकदम कम करना चाहता हूँ तो वेरी टाइट कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं फिर से इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं।
इसके बाद अगला ऑप्शन जो है मेरे पास वो है इवन हाइट का। तो ये इवन हाइट, अगर आप चाहते हो कि जो कुछ लिखा है सबकी हाइट सेम हो, तो इस तरह से आप इवन हाइट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं फिर से इसका हाइट हटा देता हूँ यहाँ से। फिर है वर्टिकल टेक्स्ट। अब ये जैसे लिखा हुआ है, अगर आप उसको चाहते हैं कि वर्टिकल में चेंज हो जाए, ये देखिए इस तरह से वर्टिकल में चेंज हो गया। फिर आप चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट चेंज हो, तो यहाँ से मैं इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। लेटर जस्टिफाई करना है, या मुझे इसको लेफ्ट अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है, जिस तरह का अलाइनमेंट मैं चाहता हूँ, जो भी हमने लिखा होगा उस तरह से ये चेंजेस होते जाएंगे। अब आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो आप जो भी चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसमें होते जा रहा है। तो ये वर्टिकल वाला वापस मैंने ले लिया है। इसके बाद हम इस पर आगे क्लिक करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, इसका साइज इस तरह से, ताकि आपको चेंजेस होते दिखाई दे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो शेप है वो कलर फील हो जाए ग्रीन कलर से। तो ये देखिए जो कुछ भी लिखा हुआ था वो ग्रीन कलर में हो गया है। इसकी आउटलाइन अगर मुझे चेंज करनी है, मैं थोड़ी मोटी आउटलाइन चाहता हूँ, तो मोटी आउटलाइन कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद शेप आउटलाइन में मेरे पास और भी ऑप्शन है। इसके वेट, इसका डैशेस अगर मुझे चेंज करना है, तो मैं इसके डैशेस भी चेंज कर सकता हूँ। इसमें कोई पैटर्न फील करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। शेप से रिलेटेड वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप उस पर भी इन डिटेल्स को देख सकते हैं। अब इसके शेप को अगर मैं बदलना चाहता हूँ, ये जो स्टाइल है इसका, वो मैं चेंज करना चाहता हूँ किस भी तरह का, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए मैं ये कर लेता हूँ इस तरह से। या फिर अगर मुझे नीचे से कोई ऑप्शन चूज करने हैं, तो ये भी कर सकते हैं इस तरह से। हम एक और ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो जो भी ऑप्शन आप चाहे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं वापस से ये वाले ऑप्शन को लेकर आ जाता हूँ, ये देखिए ये। या हम पहले वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, फॉलो पाथ स्ट्रेट लाइन वाला, ये मैंने यहाँ से ले लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है शेडो इफेक्ट का। तो जो हमने वाटर मार्क डाला है, अगर हम उसका भी शेडो इफेक्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए ड्रॉप शेडो कर दिया है, ये यहाँ पर इसके पीछे इसका शेडो आ गया है। मैं थोड़ा सा ये वाला शेडो ले लेता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड में। और अगर शेडो का इफेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं, कि आपका शेडो कहीं और दिखाई दे, थोड़ा धूप दिखाई दे, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करते जा रहा हूँ, इस तरह से आपका शेडो अलग होते जा रहा है इस पर। अगर नीचे लेना है तो नीचे भी ले सकता हूँ, ऊपर चाहता तो ऊपर हो जाए, राइट में लेना है तो मैं राइट पर भी ले सकता हूँ। और अगर बंद करना है तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया, फिर से चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से शेडो भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको अगर 3D इफेक्ट्स में डालना है, तो हम चाहते हैं कि अलग टाइप का 3D इफेक्ट दिखाई दे, जैसे मान लीजिए ये वाला। तो ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखता हूँ। नहीं, तो ये वाला स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी और पर ले लेता हूँ, थोड़ा कम। इस पर भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, लेट्स ट्राई दिस। अब इसको करके मैं यहाँ से इसको घुमा लेता हूँ, देखिए इस तरह से। तो जो भी मैं चाह रहा हूँ उस तरह से चेंजेस इसमें होते जा रहे हैं। मैं यहाँ से इसको भी चेंज करके 3D इफेक्ट को कैंसिल कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से। मैं इसको वापस ऐसे घुमा लेता हूँ जैसे पहले था, वैसे दिखाई दे। फिर 3D इफेक्ट्स में हमारे पास पैरेलल वाला ऑप्शन है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो मैं अभी नो 3D इफेक्ट्स करता हूँ, फिर यहाँ पे नीचे आके पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मूवी से कोई हम देखते हैं एनिमेशन बाहर आते हुए, उस तरह का भी यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी एनिमेशन आप चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। उसकी डेप्थ को कम ज़्यादा करना है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। लाइट किस तरफ से आनी चाहिए वो भी हम कर सकते हैं, देखिए इस तरह से कर दिया तो उसका शेडो कहीं और दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें, ये देखिए ये। तो मैं यहाँ से 3D इफेक्ट्स को बंद कर देता हूँ फिलहाल, ये देखिए इस तरह से। 3D इफेक्ट्स डालने के बाद भी अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे जैसा चाहिए, ये देखिए इधर यहाँ से। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। फिर इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। अगर मुझे एकदम सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर पे ले लेता हूँ, इस तरह से आ गया देखिए। अगर मैं इसका पोजीशन राइट साइड कॉर्नर पे कर लेता हूँ नीचे, तो वहां पर भी आ गया। तो जैसे भी आप चाहते हो, आप आपके जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाली है, यानी आपने जो भी वाटर मार्क रखा है, उस तरह से उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन हमारे पास आते हैं, हम इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या चेंज करके दिखाया है, जैसे टेक्स्ट को बदलना, बीच की स्पेसिंग, उनके अलाइनमेंट को, शेप किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, उसका शेप बदल सकते हैं, कलर भर सकते हैं, शेडो इफेक्ट होगा, 3D इफेक्ट्स होगा, उनके पोजिशन ट्रैप टेक्स कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको भी एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ, देखिए इस पर मैंने क्लिक किया है, वही ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। और यहाँ से मैं
पावर पॉइंट लिख लेता हूँ, एमएस पावर पॉइंट साथी, और यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ये देखिए एमएस पावर पॉइंट साथी आ गया। इसका कलर हमें चेंज करना है तो हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रेड कलर से या रेड कलर से फिल कर लेता हूँ, या मैं इसको ऑरेंज कलर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज कलर टाइप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, जो भी फील करना है वो शेप चेंज करना है शेप चेंज कर सकते हैं, फील करना है फील कर सकते हैं, उसका आउटलाइन को बदलना है आउटलाइन बदल सकते हैं। मैं इसके कुछ डैशेस बदल के देख लेता हूँ जो आउटलाइन है। ये देखिए उसके डैशेस बढ़ गए हैं, बदल गए हैं। यहाँ से मैं एड में जाके इस फॉन्ट के साइज को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 54 कर लेता हूँ, और यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए आपका जो हेडर फुटर है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो भी चेंजेस हुआ है वो हमारे मेन डॉक्यूमेंट में है यानी वाटर मार्क पर। अब मैं इसके बाहर आ जाता हूँ ये हेडर फुटर के, आप देखिए ये हल्का हल्का हो गया है पीछे। तो जिस भी तरह के चेंजेस हमने किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एमएस वर्ड में अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटर मार्क डाल सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जिसमें हम अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटर मार्क तो डाल पाएंगे लेकिन वो अलग पिक्चर वाटर मार्क होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।